सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदने से पहले आप प्रोफेशनली तरीके से कैसे मोबाइल को चेक कर सकते हैं, मोबाइल आपका ठीक है या किसी किस्म का कोई मसला है। तो एक ही कोड में आप मुकम्मल मोबाइल चेक कर सकते हैं, बस आपको कोड का पता होना चाहिए। हर मोबाइल का एक अलग अलग कोड होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पे बताऊंगा और ये भी सिखाऊंगा कि आप कैसे मोबाइल को ए टू जेड चेक कर सकते हैं। ओप्पो का कोड क्या है, वीवो का कोड क्या है, रियलमी का कोड क्या है, इन्फिनिक्स का क्या है, मुकम्मल आज की इस वीडियो में सब कोड आपको बताऊंगा। आप एक ही कोड से सारे मोबाइल जो है ना चेक कर सकते हैं। जैसे कि सैमसंग का कोड था *#0*#, ऐसे मैं वीवो का भी बताऊंगा, ओप्पो का भी बताऊंगा, जितने भी मॉडल हैं सब मॉडल का मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उसका डिटेल ले सकते हैं। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अभी मेरे पास दो मोबाइल हैं, इस दो मोबाइल पे आपको मैं कोड लगा के चेक करवा देता हूं कि वाकई में ये वर्किंग करता है। ये मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है और ये मेरे पास ओप्पो का मोबाइल है। मैं दोनों पे कोड लगा के चेक करूंगा, इस मोबाइल का कोड अलग है, इस मोबाइल का कोड अलग है। तो चले हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम ओप्पो से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं डायल करता हूँ *#899#, ये मिलाकर आपने ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इसकी सेटिंग सारी मुकम्मली आ गई आपके सामने। आपने ऑटोमेटिकली टेस्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, फिंगर लगाते जाएं, लगाते जाएं, लगाते जाएं, ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये वाइब्रेट हो रहा है मोबाइल, ये देखें। पास कर देते हैं हम इधर से, ये देखें ये लॉक लग गया इसे, तो हम ओपन करते हैं। ये ऑटोमेटिकली अब मोबाइल सारा टोटली खुद ब खुद चेक कर लेगा। तो देख सकते हैं ये भी मैंने पास कर दिया है, ये देख सकते हैं। ये बैक कैमरा है इसका, बैक कैमरा भी अगर यहाँ से भी हम पास कर देते हैं, यानी कि ए टू जेड ये खुद ब खुद मोबाइल जो है ना चेक कर लेगा। ये देख सकते हैं पास हो गया है, इधर से भी हम इसके पास कर देते हैं, पास कर देते हैं। ये बैक कैमरा 3-4 मरतबा आएगा, आपने इसे अच्छे से देख कर फिर पास करना है। जहां से आपको थोड़ी सी भी मिस्टेक लगे तो आप कस्टमर को जिससे मोबाइल ले रहे हैं उसे ये आप कह सकते हैं कि ये आपका मोबाइल मसला कर रहा है, फॉल्ट कर रहा है, तो इसे इजीली आप पता कर सकते हैं। तो ये बैक की लाइट जल गई है, देख सकते हैं बैक की लाइट ओपन हो गई है। अगर लाइट ओपन होगी तो बस इधर से आप पास कर देंगे, नहीं तो आप अदरवाइज फेल भी कर सकते हैं। ऐसे आप ऑटोमेटिकली मोबाइल को चेक कर सकते हैं। अब मैं पास कर देता हूं, ऐसे ऐसे आपने पास करते जाना है। ये देख सकते हैं ये वॉल्यूम है, इधर से आप वॉल्यूम भी चेक कर सकते हैं। ये वॉल्यूम का, ये डाउन का और ये पावर ऑफ का, मतलब कि इधर से आप पावर ऑफ वॉल्यूम सारा बटन चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप इधर से पास कर सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी नंबर पे कॉल मिला के इधर से चेक कर सकते हैं कि कॉल मतलब स्पीकर उसका फटा हुआ तो नहीं है, इधर से आप वो भी चेक कर सकते हैं। बैक आने के बाद इधर से भी हम इसे पास कर देते हैं, यानी कि मुकम्मल तौर पे ये देख सकते हैं हमारा मोबाइल ए टू जेड इधर से हम चेक कर सकते हैं। ये तो हो गया चलो ओप्पो मोबाइल का। अब चेक कर लेते हैं सैमसंग का। सैमसंग तक *#0*# मिलाएंगे आपके सामने सारा आ जाएगा। तो ये रेड है, रेड के बाद इसके बाद आप ये स्क्रीन टेस्ट भी कर सकते हैं, इधर से कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये सभी कोड लगा के आप चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल बिल्कुल ओके है या किसी किस्म का कोई मसला है। तो सब मोबाइलों के ये कोड हैं, ये कोड लगा के आप चेक कर सकते हैं ए टू जेड। तो वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से ये होगा मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दे, अल्लाह हाफिज़।